तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से जितने भी मेरे इंडियन कोस्ट गार्ड के कैंडिडेट्स हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड में स्पेशली एसी असिस्टेंट कमांडेंट। व्हाट अ प्रोसीजर, 5 दिसंबर को आपका एग्जाम डन हुआ और एग्जैक्टली आपके पास 19 दिसंबर को आपके सामने आपका रिजल्ट था। तो एक बार बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन जितने भी बच्चे सफल हुए हैं, एंड थैंक यू सो मच ऑल प्राउड एमकेसियंस, हमें आप पे बहुत गर्व है बच्चा। जितने भी हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम के बच्चे रहे, ऑफलाइन के रहे, या यूट्यूब से हमारे बच्चे जो हमारी मैराथन क्लासेस और लगातार लाइव मॉक का हिस्सा रहे, सब बच्चों ने बढ़ चढ़ के अप्रिशिएशन दिया है, बहुत सारा प्यार दिया है। आप सबको भी हमारी तरफ से दिल से बहुत 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 शुभकामनाएं। अब आपके लिए ऑब्वियसली अगला स्टेज क्या है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उनके विषय में जानना ज़रूरी है। और हमेशा एमकेसी के प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहें और हम पे भरोसा करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हर कॉम्पिटिशन की रियल सच्चाई और उसके पैटर्न से हम आपको रूबरू कराएं। तो चलिए आज ICG AC को लेकर के एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, क्या क्या रिजल्ट आने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी, आखिर ये PSB क्या है, FSB क्या है, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शंस क्या है सर, और एग्जैक्टली अभी रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद हमें अब अगले स्टेप पे क्या करने की आवश्यकता है, और MKC कैसे आपकी मदद करेगा अगले PSB और FSB में आपके श्योर शॉट सक्सेस के लिए। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट्स आप देख ले रहे होंगे, बिल्कुल आपको सिंपली ICG की वेबसाइट पे जाना है, और ICG की वेबसाइट पे आप पहुंच के फटाफट जो है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in पे जाएंगे, और एग्जैक्टली रिजल्ट CZ जिसकी अपडेट ही हो रहा है यहाँ पर, यहाँ भी आप देख सकते हैं जो है रिजल्ट यहाँ अपडेट किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप इस पर फटाफट क्लिक करके आप इस फॉर्मेट पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आएंगे रिजल्ट्स, ऑब्वियसली आप लॉगिन ID से अपने जाएंगे और अपना रिजल्ट देखेंगे, जैसे हम एक बच्चे का यहाँ शेयर भी कर रहे हैं, एंड रिजल्ट का फॉर्मेट कैसे होता है, स्टेज 1 का ये रिजल्ट कहा जाएगा, अब स्टेज 2 एग्जैक्टली इसको फेस करना है। तो बेसिकली इस तरह का रिजल्ट का फॉर्मेट होता है, जैसे कि स्टेज 1 ऑब्वियसली आपका रिटन एग्जामिनेशन था जो आपने क्लियर कर लिया है, अब आपको स्टेज 2 में जाना है, तो सिंपली लिख के आता है कांग्रेचुलेशन यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्टेज 2। तो मुझे लगता है कि लाइफ में सबसे बड़ी खुशखबरी है, और सबसे पहली बात जगदीश जो है विश्वभर को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, ये हमारे ही बच्चे हैं, उनकी हमने डिटेल यहाँ पे ओपन की हुई है बच्चा। अब आपको PSB और FSB के लिए लगना है। नोट में क्या है कि इन्होंने प्रीवियस अटेम्प्ट अगर दिया है, प्लीज़ फिल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मेंशन बिलो अपेयरिंग इन द स्टेज 2 फ्री सिलेक्शन बोर्ड। PSB में जाने से पहले बच्चा जो है कुछ चीज़ें आपको जो है डॉक्यूमेंट्स के तौर पर अपलोड करनी होती है, तो अक्सर आप कंफ्यूज रहते हैं क्या करना होता है सर, कैसे करना होता है, चलिए उसकी भी डिटेलिंग पे बात कर लेते हैं। अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करने पड़ते हैं, और आपने अगर इससे पहले PSB FSB या SSB फेस किया है तो उसकी डिटेलिंग भी आपसे मांगी जाती है। बेसिकली जो है अपलोडेशन का जो टाइम इन्होंने दिया हुआ है 21 दिसंबर दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं, इसलिए तेज़ी के साथ आज ही आके अपडेट कर दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो क्या क्या अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स उसको चलो ध्यान से समझ लेते हैं। तो बड़ा सिंपल है, मैंडेटरी फील्ड्स यहाँ बताए गए हैं जिसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट है एंड मार्कशीट है, ठीक है ना। मार्कशीट को तो इन्होंने यहाँ पे जो है मैंडेटरी कर रखा है, बट सर्टिफिकेट को यहाँ पे ऑप्शनल रखा हुआ है, ठीक है ना, बट सभी अपलोड करिए। फिर आता है आपका 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हो गया, फिर ग्रेजुएशन का आपसे पूरा डिटेल मांगा गया मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट का, सेमेस्टर वाइज आप दे सकते हैं इसको, और ईयर वाइज जैसा भी आपका रहा हो। एडिशनल में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको डालना पड़ेगा, NCC सर्टिफिकेट है वो भी डालना पड़ेगा, फिर यहाँ से आप सेव कर देंगे। तो ये चीज़ मैंडेटरी है, तो मैं उस बच्चे का ये बेसिकली ओपन करके बैठा हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे आप भी अपना ओपन करेंगे इन डिटेलिंग को फिल करके। बच्चा तेजी के साथ, इसमें थोड़ा भी डिले मत करिए, अदरवाइज PSB वगैरह फेस करने में आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सर ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों ही ऑप्शन हमने ओपन किए हैं प्रिपरेशन के लिए, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, बेस्ट टीम आपको मिलेगी। कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, और एग्जैक्टली PSB FSB को लेके जो गाइडेंस है, अभी पहली प्रायोरिटी में PSB है, जो गाइडेंस है उसको लेके एग्जैक्ट कैसे गाइडेंस मिलना चाहिए उसको हम पूरी तरह से आपका कवर करेंगे। तो ये बेसिक बातें थी जो आपको बतानी थी, तो बिल्कुल अब आपको टेंशन नहीं लेना है, MKC है आपके साथ आपके श्योर शॉट रिजल्ट्स के लिए। तो बिल्कुल बिना देरी किए कॉल करिए और फटाफट हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ के अपनी सफलता के 100% गारंटी लीजिए। एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, गुड लक, जय हिंद जय भारत।